बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफ़ज़ाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में उसी अहम फैसले पर बात होगी जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, हर कोई इस पर बात कर रहा है, इस पर तनकीद भी की जा रही है और ख़ुसूसी तौर पर पाक फ़ौज की तरफ से भी रद्दअमल सामने आया है, फतवे आना शुरू हो गए हैं और वो माजरा यकीनी तौर पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ साहब का है। आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो, गद्दारी का मुर्तकिब उनको ठहराया गया और सिर्फ यही नहीं, सजाए मौत यानी फांसी की सज़ा जो है उन्हें सुनाई गई है खसूसी अदालत की तरफ से। अब जो एक जज हैं जिन्होंने अपने फैसले में कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जिस पर ज़्यादा तनकीद हो रही है और जिस पर पाक फ़ौज भी कह रही है कि जो मुख्तसर फैसले के बाद खदशात थे वो ज़्यादा तकवीत पकड़ गए हैं उस तफसीली फैसले में, स्पेशली उन जज साहब के रिमार्क्स पढ़ने के बाद। और वो ये है कि अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इस फैसले के इम्प्लीमेंट होने से पहले, एक्सिक्यूशन से पहले इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी लाश को डी चौक पर लाकर 3 दिन तक वहाँ पर लटकाया जाए। अब इसको इंसानियत की तजलील करार दिया गया है, तहजीब के मुनाफी करार दिया गया है, फतवे आ रहे हैं, मुफ्ती नईम साहब कहते हैं कि इंसानियत की तजलील की गई है ऐसे रिमार्क्स रखने के बाद। मुजाहरे भी इस फैसले के खिलाफ जो हैं वो होना शुरू हो गए हैं और हुकूमत जो है वो स्पेशली इन जज के खिलाफ, जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान भी कर चुकी है कि इनको काम करने से रोका जाए। और आर्टिकल 211 के तहत जस्टिस वकार का बाकायदा नफसियाती मुआयना होना चाहिए, ये एतजाज़ अहसन साहब ने डिमांड किया है, उनकी तरफ से भी ये बयान आया है। बड़ा संगीन रिएक्शन है, लेकिन ये ऐसा फैसला है जिसके खिलाफ हम देख रहे हैं कि एक तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, कहीं पर इस कुछ हल्के इसको सपोर्ट करते भी दिखाई देते हैं। हाँ, अलबत्त जस्टिस वकार के रिमार्क से यकीनी तौर पर इख्तलाफ किया जा रहा है, लेकिन इसके क्या पाकिस्तान के जो हर वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा होता है, हर वक्त ये कहा जाता है कि इस वक्त बड़े मुश्किल और संगीन हालात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और इदारों के आपस के ताल्लुक के लिए इसके क्या आगे जाकर मुजमिरात हो सकते हैं। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, सीनियर मानून हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, और अमानुल्लाह कनरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं पहले अमानुल्लाह कनरानी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये फैसला आना, फिर उस फैसले का वो जो एक तफसीली फैसला है, डिटेल्ड वर्डिक्ट के अंदर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, जस्टिस वकार के रिमार्क्स, क्या इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, पहले तो ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैं समझता हूँ हर कौम के साथ कोई वाकया हालात जब बहुत ज़्यादा शदीद हो जाते हैं तो कहा जाता है कि वो हर वाकया आपके लिए के नए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर देती है। तो मैं समझता हूँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल और उसका फ़ैसला शायद इतना अहम न होता अगर कौम की किस्मत अच्छी न होती। तो मैं समझता हूँ ये कौम की किस्मत अच्छी है कि आज हमें और अरफ चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, आज अल्लाह का शुक्र है कि हमें बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि जिस गिरोह को कौम पर मुसल्लत किया गया वो गिरोह इस काबिल ही नहीं था जिसको आप मुनसिफ कह सकें। वो एक फरीक थे जिन्होंने 2 साल तक वकला तहरीक के नाम पर एक जुडिशरी को आज़ाद कराया, मकसद तो उसका नेक था मगर उसके जो नतज सामने आए हैं जिन्होंने तहरीक चलाई है आज वो भी नौज बिल्ला कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है हमें उसके मुजर असरात का जायज़ा लेना चाहिए। उस असरात ये असरात कौम पर इंतहाई सख्त जो है वो हालात पैदा करने जा रहे हैं। जिस किस्म का इदारा जिसको हम जुडिशरी कहते हैं जब तक वो मुतनाज़ा तनाज़ा से आज़ाद न हो, जब तक लोग उसको मुकद्दस न समझें उस वक्त तक उसके फैसलों को मुतनाज़ा समझा जाएगा। जिस तरह ज़ुल्फ़िकारअली भुट्टो के फैसले को आज तक तस्लीम नहीं किया जाता है, इसलिए वो कंपोजिशन ऑफ जजेस पर लोगों को एतराज़ था, आज भी हमें और एक गिरोह को ये एतराज़ है कि 2009 के बाद जो जुडिशरी बनी है वो एक गिरोह की जुडिशरी है और एक खास मकसद तहत बनी है, आइन और कानून से बालातर बनी है। इसलिए कि ये जो इमरजेंसी है 3 नवंबर 2007 को नाफिस नहीं हुई है,
इमरजेंसी 12 अक्टूबर 99 को नाफिज हुई है और आवाम के खिलाफ इमरजेंसी 12 अक्टूबर को लगी है, 3 नवंबर को जजों के खिलाफ इमरजेंसी जरूर लगी है, वो भी अपनी जगह पर गलत था। मगर मैं समझता हूँ जो मुजरिम है उनको हवा जो है मुनसिफ बना दिया गया है, जिस तरह सैयद अजमा सिद्दीकी साहब ने हल्फ नहीं उठाया वो चले गए, हीरो तो वही था, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इस इमरजेंसी से फायदा उठाया, इन्होंने पूरे कौम पर जो मुसल्लत किया इस इमरजेंसी को, उसे अगर इसको उस वक्त जवाब दे दिया जाता जनरल परवेज मुशर्रफ को 12 अक्टूबर 99 को, और जफर अली शाह का केस जो है जजमेंट ना आता PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 8669, तो कौम को ये वक्त न देखना पड़ता, ये हमारी रुसवाई न होती। ये वो जजेस हैं जिन्होंने आज तक जफर अली शाह केस हमारे अदालतों की तारीख में मौजूद है, वो रिविजिट या रिव्यू नहीं हुआ है, तो वो इमरजेंसी आज भी लग सकती है, वो इमरजेंसी उस आयन के मुताबिक होगा जिसकी तशरीह जनाब इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब ने की थी अपने जजमेंट के अंदर, इरशाद हसन खान चीफ जस्टिस थे। तो मैं समझता हूँ उस 12 अक्टूबर के बाद जो हालात वाकई पैदा हुए उसका मनतकी नतीजा है। ठीक है, उसका मंतकी नतीजा आप मुनसिफों की जो बात कर रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, वेरी इंटरेस्टिंगली अब ये चीज कुछ माजी के और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, माजी करीब के कुछ ऐसे फैसलों के हवाले से या ऐसे हालात के हवाले से जो जिक्र किया जा रहा है, मिसाल के तौर पे जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो लबैक का धरना था, तहरीके लबैक का धरना था फैजाबाद वाला, उन्होंने कहा कि उसमें फौज को और ISI को मुलविस करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद जो आर्मी चीफ की तौसी वाला मामला था उसमें वो कहते हैं उसको तूल दिया गया और अब ये डिसीजन आ जाता है, तो वो उसको कॉन्स्पिरसी समझ रहे हैं। तो वाकई आपको लगता है कि कहीं इन तमाम चीजों के, इन तमाम केसेस के या इन हालात वाकयात के कहीं कोई ताने बाने मिलते हैं? आपका जो सवाल है वो बड़ा समझ में आने वाला सवाल है, और अब तक ये जो सूरत हाल थी उसमें लोग कहते थे, लेकिन वाकई ये बताना और साबित करना बड़ा मुश्किल था। यानी एक जुमला मैं शेयर करना चाहता हूँ, हमारे जस्टिस मौलवी अनवारुल हक साहब, उन्होंने मुझे कहा कि चौधरी साहब ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब है ये आने वाले 20 सालों का आपका इंतज़ाम कर गए हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में बेड़ा गर्क कर गए हैं, कि उन्होंने ऐसे ऐसे ये जो बातें फवाद चौधरी ने की हैं उनका ताना बाना इस चीज़ से मिलता है कि आप देखें कि इस तरह के जजेस का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस नोन हो और जो सियासी पार्टी के वर्कर्स हो उन्हें आप जज बनाएं, और वो जज आपने बनाया तो उन्होंने बैठ के आपके सामने वो लोग थे जिनको उन्होंने रिलीफ दिया, और हर शख्स जो दहशतगर्दी में मुलव्वस था वो उन्हीं की कोर्ट में आता शौकत अजीज सिद्दीकी के, और सीधा उसे वो बेल आउट कर देते। सबसे पहले तो आप हैरान होंगे कि हमारी मीटिंग हो रही थी बार काउंसिल की जिसमें वो तशरीफ ले आए बतौर जज के, और मैं हम हैरान थे, मैंने कहा शायद ये इस्तीफा दे के आया है, तो मैंने कहा जी सबसे पहले जज साहब को मौका दें, और उन्होंने वहाँ जाके खड़े होकर तकरीर शुरू कर दी, मैं कैंडिडेट था वहाँ बार का, मेरे खिलाफ तकरीर शुरू कर दी, और इसी तरह कभी सोचा नहीं जा सकता कि यानी एक सिटिंग जज जो है वो इस तरह मीटिंग में जाए और उसके बाद फिर उनका मन नहीं भरा इस बात से और वो सीधे चले गए उन्होंने बाकायदा एक जलसा आप में। तो ये देखें ये सारी सूरत हाल ये है कि एक ज़माना था जब जज बनाने के लिए ये सोचा जाता था कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती थी, क्योंकि इसी से कौमों की किस्मत बदलती है। आप देखें कि अगर आप एक देखें वहाँ उन मुल्कों में जो महज़ब मुल्क कहलाते हैं वहाँ दो बुनियादें होती हैं, एक इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी और एक उनकी फाइनेंशियल हवाले से इंटेग्रिटी। और यानी वहाँ आपने केसेस देखे कि थॉमस क्लेरेंस का केस जो था वो मारट हवाले से था जिसकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कितनी बारीक बीनी से की, और अल्टीमेटली वो जब कंफर्म हुए तो एक वोट से हुए और उन्होंने तस्लीम किया कि मेरे जस्टिस सिस्टम जो है, आपको याद होगा एनीटा हिल ने उनके खिलाफ आके बयान दिया था, और इसी तरह था इससे पहले रॉबर्ट बोर्क को इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी की वजह से उन्होंने कहा कि इनका जो इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी है वो डाउटफुल है और जो इनके फैसले हैं वो शर्मनाक है, तो उन्हें भी कन्फर्म ना किया गया। हमारे यहाँ किसी लिहाज से भी इंटेग्रिटी देखी ही नहीं जाती। जनरल साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? यकीनी तौर पे फौज में एक बॉर्डर पे खड़ा हुआ जवान कहीं पे भी सर्व करा, चाहे वो सियाचिन में भी है, उसको इस तर्जमान पाक फौज ने भी जो कहा कि बहुत बुरी तरह और बहुत तकलीफ के साथ इस फैसले को लिया गया है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ
जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि अदालत के खिलाफ या अदलिया के खिलाफ कहीं कॉन्स्पिरेसी है, ये मामला इतना सादा नहीं है, कहीं ना कहीं इदारों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं होने जा रही, इदारों के दरमियान आपस का ताल्लुका जो बड़े अरसे के बाद हमें शायद बेहतर अंदाज में चलते हुए नजर आ रहा था, वो इससे कितना मुतासर हो सकता है? सादिया, मैं समझता हूँ कि जितने ये पिछले दिनों से प्रोग्राम हुए हैं, आज जो आप बात कर रही हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और तमाम जो इस मुल्क के समझदार लोग हैं उनके लिए तकलीफ दे भी है, और यही बात हो रही है। आप इन फैसलों को देखकर वकील सिंह का इफेक्ट देखिए आज क्या है। आज इफेक्ट ये है कि पूरी कौम जुडिशरी के मसले पर पूरी तरह ना सिर्फ डिवाइडेड है, बल्कि जो जिस इदारे एक इदारे पर सबका एतमाद होना चाहिए था और जिनके फैसलों पर लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले होते हैं, जिनकी बातों पर, उस पर एतमाद तकरीबन ख़त्म हो गया आज। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा इदारा जिसको आप अपने कौम की हिफाजत की जिम्मेदारी आपने सौंपी है, जिसका रैंक एंड फाइल इस वक्त जंग में मसरूफ़ है, वो आज ये देख रहा है, उनको ये नहीं कंसर्न के मुशर्रफ ने ठीक किया गलत किया या जो अलग बात है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आज के इस फैसले से ये जो कुछ इफेक्ट हुआ है सारे फैसलों का, कि पाकिस्तान की अफवाज या एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं उसको दीवार से लगाने के लिए या उसको शिकस्त देने के लिए या उसको नीचे दिखाने के लिए इस हद तक लोग आगे चले गए हैं कि वो फौज दुश्मनी में बदल गया है आज, और लोग इस बात पर नारे लगा रहे हैं कि इसको मुशर्रफ को फांसी देनी चाहिए, और फांसी देने की वजह आर्टिकल 6 नहीं है, आइन से गद्दारी नहीं है, आर्टिकल 6 लगाने की वजह एक बुग्ज है, एक अनाद है जो इफ्तिखार चौधरी का था, और बुग्ज है, अनाद है जो नवाज शरीफ का था, और बुग्ज और अनाद है जो कुछ और लोगों का जो अभी तक सामने नहीं आ रहा। अच्छा, यानी लोग थे जिसमें से कुछ तो अब उस तहरीक में हिस्सा लेने को भी अपने लिए बायस शर्मिंदगी समझते हैं, लेकिन वहां ऐसे लोग, ऐसा टोला मौजूद था, आप ये कह रहे हैं कि जो अभी तक वो चलता आ रहा है और वो बुगज आप इसको करार दे रहे हैं, वो अनाद निकल रहा है। जी जी, आप देखिए ना, इसकी सारी ये दो इस फैसले को, ये जो मुकदमा चला है ये दो ट्रेल्स पे चला है, एक तो जिसका हमारे जजों ने हवाला दिया आज के जजों ने, दूसरा वो है कि इमरजेंसी लग गई, उस वक्त की अदालत ने, उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी उसको तौसीक कर दी, उसके बाद जब इफ्तिखार चौधरी दोबारा बहाल हुआ तो उसने बैठ के सारा कुछ किया ये इस वक्त। तो मुझे ये बताइए कि इफ्तिखार चौधरी से पहले जज साहबान थे, उनके सारे फैसले दोबारा किसी ने उसको गौर किया उनके ऊपर, या इफ्तिखार चौधरी के अपने फैसले पर गौर किया उसके ऊपर? तो ये जो इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि आज फौज में इस कदर बदगुमानी है कि आर्मी चीफ इस वक्त पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा कोई मुश्किल में गिरफ्तार आदमी है तो इस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो। उसने एक तरफ तो बॉर्डरों पे लड़ाई लड़नी है इस कौम की हिफाजत के लिए, और उन 6-7 लाख लोगों को हुक्म देना है मरने और जीने का, जिसके जिनके ऊपर आज ये इफेक्ट है कि वो इस बदली में बैठे हुए हैं, मुराल लो है उनका। अगर उनके जहन में खुदा न खास्ता ज़रा सा भी शक है और ज़रा से भी इनमें यह कोताही होती है कि हम क्यों जान दें जिसके लिए हमें इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, तो आप बताइए कि फिर क्या होगा? उसने इनको तैयार भी करना है, उसने इस कौम आइन और कानून की पासदारी भी करनी है, और उसने इनको लड़ाने लेके भी जाना है। आज वो बददिल सिपाही आप उसे कैसे ले सकते हैं? मैं आप यकीन कीजिए सादिया, हम तो रिटायर्ड हुए हैं, उसके बावजूद चूँकि लोगों के कॉन्टेक्ट है, इस किस्म के मैसेजेस जो आ रहे हैं, जो बात हो रही है, मैं वहाँ पे बरमला कह नहीं सकता इसको। इस कदर अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे जुडिशी को या हमारे सियासतदानों को अंदाजा नहीं है इस चीज़ का। सही है, जवानों के हौसले पस्त हुए हैं ऑब्वियसली, जैसा आपने कहा कि आपके रबते रहते हैं, लोग इसको बहुत बदली के साथ और बहुत मायूसी के साथ और दुख के साथ ले रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके फिर अमानुल्ला कनवानी साहब की तरफ भी जाएंगे, कि अभी जिस मामले को बहुत सिंपल समझा जा रहा है, ये शायद इतना सिंपल नहीं है, और खसूसी तौर पे फौज के लिए, जो जनरल साहब ने भी मेंशन किया कि आप जवानों का जो मुराल बूस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कि उनका जो सरबरा सिपा सालार फौज का रहा, आपने उसको गद्दार करार दे दिया, फौज पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है, पूरे इंस्टीट्यूशन के हवाले से बात शुरू हो गई है, उस पर सवाल जो है वो खड़े होना शुरू हो गए हैं।
तो ये इन हालात के अंदर खसूसी तौर पे किस तरीके से मामला आगे चलेगा, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से खुश आमदीद, हम बात कर रहे हैं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से अदालती फैसले की। अमानुल्ला कनरानी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, एक तरफ तो यकीनी तौर पे ये भी नजर आता है कि अदलिया बहाली तहरीक के कुछ समरात हैं वो अपनी जगह जगह पर, फौज के जवान का मोरल डाउन हुआ है वो बात भी है, जितनी मर्जी आप बयानात देख लें या फौज जितना मर्जी जमहूरियत के साथ खड़ी रही है या अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये मामलात एक वर्किंग कोऑर्डिनेशन जो इदारों के दरमियान है उसको इस हद तक ना मुतासिर कर दें कि फिर मेरे अजीज हमवतनों की राह हमवार हो जाए? जनाब, मैं थोड़ा सा कुछ असूली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जरा गौर से सुने। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ, एक है कि आप अपने रियासत के बारे में फैसला कर लें कि आप किस तरह के रियासत में रहना चाहते हैं या चाहती हैं। आया आप नेपाल और भूटान, मालदीप और श्रीलंका, बांग्लादेश की तरह रहना चाहते हैं आंखें और सर झुका के, या आप जिंदा कौमों की तरह रहना चाहते हैं? आप कहते हैं कि हमें आज़ाद कश्मीर को भी आज़ाद कराना है, हमने एटमी मुल्क और ताकत के साथ रहकर अमेरिका और रूस के सामने भी सीना सपर होना है, और हमने अपनी पूरी इस्लामी उम्मा को भी लीड करना है। ये दो अलग अलग कैफियतें हैं। अगर आप रहना चाहते हैं मालदीव और भूटान की तरह, फिर तो माशाल्लाह जजों की किताबें बहुत अच्छी हैं, सब सियासतदानों की तकरीर बहुत अच्छी हैं। अगर आपने जिंदा कौम के इस तरह और सर उठा के चलना है और एटमी ताकत को अपने बरकरार रखना है, इस्लामी उम्मा की क्यादत करनी है और बड़ी ताकतों को आंखों में आँखें डालकर जो आप जिंदा रहना चाहते हैं, फिर तो आपको फौज के इज्जत और एहतराम को अपने सर का ताज बनाना होगा। ये मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ, हकायक बात कर रहा हूँ। जापान ने जब सरेंडर किया तो आज जापान इस तरह बनिए की तरह व्यापारी की तरह तो रह सकता है, बड़ी बहुत अच्छा व्यापारी है। अगर आप भी इसी तरह सरेंडर करना चाहें, ये ऑप्शन आपका है, कौम का है, 22 करोड़ कौम का है। मगर जब आपने ये फैसला नहीं करना है और जिंदा कौम की तरह रहना है, फिर तो आर्मी नंबर वन होगी, बाकी सब सानवी होंगे। क्योंकि जब तक आपने उसको अपने मजबूती के साथ कौम को कॉन्फिडेंस में नहीं दी, उनको ताकत नहीं दी, फिर उनको आगे शिकस्त के लिए दोबारा 90,000 कैदी बनाने के लिए या तुर्की की तरह उनके जवानों को सड़कों पर घसीटने के लिए न रखे, फिर उसको वो इज्जत दे जो आइन में लिखा हुआ है। आयन में लिखा हुआ है जब कोई क्राइसिस आएगा 190 के तहत तमाम इदारे जो है वो मदद करेंगे एक दूसरे की। 232 में इमरजेंसी की जिक्र है कि जब आपके हालात अंदरूनी बैरूनी खदशात आ जाते हैं तो आप फौज को बुलाते हैं, और जहां पर बात होती है आपके तकद्दस आयन के अंदर दिया गया है आपने आर्मी के मामलात को क्वेश्चन नहीं करना है, करना है तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है। आज आइन में बैठे तमाम किरदार खत्म कर दें, अपने आप को एक बनिया और साहूकार और कारोबारी बना लें और खाना खाएं, चरागाहों में चरे जैसे माल मवेशी चरते। अगर उस तरह आपने जिंदा रहना, बहुत अच्छे खाने भी मिलेंगे, बहुत अच्छी तरक्की भी हो जाएगी, मगर फैसला हमने जमीर का करना है। तो आज अगर हम जिंदा कौम हैं तो हमें और रहना चाहिए, और उसकी खातर हमें हकायक में आपको दे रहा हूँ कि ये श्री वो एक तबकाती जुडिशरी है, ये जुडिशरी एक गुरोही जुडिशरी है, असल जुडिशरी वही थी जो 99 से पहले थी, ये खुद अबेटर है। इन्होंने मदद किया जनरल परवेज मुशर्रफ की, इन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ की खिदमत की है, इन्होंने 5-5 दफा हलफ उठाए जनरल परवेज मुशर्रफ के। अगर जनरल परवेज मुशर्रफ इतना ही मुजरिम था उसको पहले ही बता दिया जाता, शायद वो टेक ओवर न करता। इन्होंने वहां बुला के उनको कहा, बल्कि ये मैं कई जनरलों के बयान पढ़ चुका हूं, उन्होंने कहा ये सियासतदान ये जुडिशरी हमारे पास आते हैं, कहते जी आए और मुल्क को बागडोर संभाले, आपके बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता, कहते फिर हम लोग आते हैं इक्तदार में, हमें इक्तदार का शौक नहीं होता है, ये जुडिशियर और सियासतदान होते हैं, हमें बुला के लाते हैं फिर हमारी सीढ़ी खींच लेते हैं। तो इस 2007 में उन्होंने वो 10 साल सीढ़ी खींच ली, वरना उसको बुलाने वाले भी ये जुडिशरी वाले थे। तो आज मेरे ख्याल में इस मुतनाज़ा जुडिशरी को, इस सिस्टम को दोबारा ठीक करने के लिए फिर मैं कहता हूँ हमें कौमी डायलॉग तरफ जाना चाहिए,
ہمیں اداروں کو آپس میں ملانا چاہیے اور ادارہ جاتی بنیاد پر ایک مذاکرہ کر کے ایک جس طرح ننسن منڈیلا نے ساؤتھ افریقہ میں 25 سال قید کاٹنے کے باوجود بھی انہوں نے ریکنسیلیشن کا فارمولا دیا, ہم بھی ایک ریکنسیلیشن میں جائیں, سیاستدان ہو, جوڈیشری ہو, ایگزیکٹو ہو, اور اپنا تمام لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھ کر اس سسٹم کو ٹھیک کریں. مشرف کا کیس کوئی کرنٹ کیس نہیں ہے, وہ ڈیڈ ایشو تھا, اس ایشو کو دوبارہ زندہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ ہمیشہ کیسز جو ہے, ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں ونس اینڈ فار آل ٹھیک ہونی چاہیے جس طریقے سے آپ نے مینشن کیا. بٹ عارف چودھری صاحب, اس میں پھر اگر آپ ایک شخص کو جو فوج کا سپہ سالار رہا ہو اس کو تو آپ نے غدار قرار دے دیا, پی سی او ججز کا کیا ہوگا, این آر او لینے والوں کا کیا ہوگا جو اس جرم میں معاون رہے ہیں, شریک رہے ہیں, جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں, ان کے خلاف پھر کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ تو آپ کو پھر ہر طبقے کے اندر, ہر حلقے کے اندر نظر آتے ہیں, اور بالکل ٹھیک ٹھاک, وہ ایک حکومت آئے گی اس کا حصہ بھی ہوں گے, دوسری حکومت آئے گی اس کا حصہ بھی ہوں گے, سیاستدان بھی اس میں آپ کو نظر آتے ہیں, اس میں ججز ایسے موجود ہیں پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے, کیا ان کے خلاف کاروائی کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ صرف ایک جنرل پرویز مشرف غدار ہے. سعدیہ, یہ جو امان اللہ کنڈانی ہے نا, یہ ایک ایسے صوبے میں ہے جہاں آپ کو حالات کا پتہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے مرد مجاہد ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں, پاکستان کی جنگ لڑتے ہیں. میں ان کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ جج اس طرح کا بنائیں نا کہ جو جج ہو تو یقین مانے پھر اس سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کے سامنے اس کا دشمن بھی کھڑا ہو تو وہ انصاف کرے گا. لیکن جب آپ اس بنیاد پر جج بنائیں گے کہ کسی کو اپنے اکرما پروری کے نتیجے میں جج بنائیں گے, تو اور اس کا معیار یہ ہوگا کہ یہ کتنا آپ کا قریبی ہے, اور سب سے پہلے اس کو مینٹلی آپ اس طرح کا بنا دیں گے کہ اگر وہ بار کا نمائندہ ہے تو وہ آپ کی غلامی کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ مل جاتا ہے, تب وہ جج بنتا ہے. اگر وہ وکلا میں سے آتا ہے تو ایسا وکیل آتا ہے جو بیچارہ بالکل اس کو پہلے آپ سرکاری وکیل ہر سطح پہ, یعنی آرٹیکل 199 کے لیے آپ کو ججز وہ چاہیے جن کا کیلیبر بہت زبردست ہو, جنہیں یہ پتا ہو کہ وہ پروفیشنلی بڑے ساؤنڈ ہیں اور یہ کام انہوں نے خدمت کے طور پر کرنا ہے. آپ دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے ذرا ملاحظہ کریں کہ یہ نظر اکبر صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. یعنی میں نے تینوں جو ہے جج صاحبان ان کے فیصلے لکھے ہیں. ایک تو فیصلہ یہ اس لحاظ سے بھی سسٹینیبل نہیں ہے کہ تینوں جج صاحبان نے اپنا علیحدہ علیحدہ فیصلہ لکھا ہے, اور پہلے جج کے ساتھ یہ جو ان کے پرنسپل یعنی وہ جو ہے پریزیڈنٹ, یہی رکیے گا عارف چودھری صاحب, آپ نے کہا نا کہ اس حساب سے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ الگ الگ رکھا ہے, الگ الگ فیصلہ لکھا ہے تینوں ججز نے. اب ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں, آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے, ہائی ٹریزن کی بات ہو رہی ہے, اور یہ جو عدالت کا اپنا فیصلہ ہے باقاعدہ طور پہ اس صفحے کے عدالتی فیصلے کے صفحہ نمبر 1 پہ یہ ایڈمیشن بھی, عدالت خود یہ بات تسلیم کر رہی ہے. آرٹیکل 6-3, مجلس شورا پارلیمنٹ شیل بائی لا پرووائڈ فار دا پنشمنٹ آف پرسنز فاؤنڈ گلٹی آف ہائی ٹریزن. اگر ایک شخص غدار ہے, اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے, تو یہ تو آئین آپ کا آرٹیکل 6 کے یہ شیک 3 کے تحت پارلیمنٹ کو اختیار دیتا ہے, مجلس شورا کو اختیار دیتا ہے کہ اس غدار کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کو سزا کیا دینی ہے, وہ آپ کا آرٹیکل 6 بتا رہا ہے, آئین بتا رہا ہے. تو پھر یہ خصوصی عدالت کیسے فیصلہ دے سکتی ہے یا سزا کیسے سنا سکتی ہے؟ سعدیہ, ایک بات اور میں ایڈ کروں, ججمنٹ میں یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ دو موضوع تھے, دو پوائنٹ تھے جو ریز کیے گئے پرویز مشرف کی طرف سے. ایک یہ کہ آپ ان لوگوں کو انکلیوڈ نہیں کر رہے, مجھے اکیلے کو یہ ٹرائل کر رہے ہیں, جبکہ وہ سارے جن کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا, جن کے کہنے پہ یہ میں نے یا پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ میں نے یہ کیا, سارا ان سب کو نظر انداز کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ریٹروسپیکٹیولی یہ فیصلہ میرے اوپر, یعنی جو آرٹیکل 6 کی ڈیفینیشن جس میں ہیلڈ ان ابیئنس کا تصور لایا گیا ہے, یہ اس سے پہلے نہیں تھا, 2010 میں آیا ہے.
वो तो आप रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते, और उसके लिए जजमेंट्स मौजूद हैं कि इस तरह के केसेस में जहां प्रोसीजरल मामला हो उस हद तक तो रिट्रोस्पेक्टिविटी आ सकती है, जहां किसी शख्स के फंडामेंटल राइट्स का मामला है तो वो जिस वक्त जो चीज ऑफेंस नहीं थी अगर बाद में वो ऑफेंस बन जाती है तो उसे रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता। इन दो मौजूदात पे जज साहब ने लिखा है कि किसी ने फैसला नहीं किया, ना दो जज साहबान ने जिन्होंने जो इस बेंच के मेंबर थे जिन्होंने एग्री किया एक दूसरे के साथ सजा पे, और ना सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आपने लिखा इसका फैसला किया। तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला किए बगैर, ये उनकी प्ली है, आपने इसको तो नजरअंदाज नहीं करना था, और इसके अलावा फिर आप ये कह रहे हैं कि उनके सामने जायद अहमद साहब उस वक्त भी लॉ मिनिस्टर थे परवेज मुशर्रफ के, और इस वक्त लॉ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ के, जायद अहमद साहब ने यानी वो जो केस मौलवी इकबाल हैदर वाला था उसके बारे जिसमें उन्होंने कहा था कि बाकी सारे लोगों को भी शामिल किया जाए जो जो इसमें मुलव्वस है, तो वहां उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि जनाब आप उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आज तक उसका कुछ भी नहीं बना और किसी ने इसका जायजा तक नहीं दिया कि जो वहां की स्टेटमेंट थी वो तो उन्होंने इनोसेंट पिटिशनर्स कहा है कि इनोसेंट पिटिशनर जो थे वो तो उन्हें तो तसल्ली हो गई कि ये इख्तियार सजा देने का इख्तियार क्या खसूसी अदालत के पास था जब आपका आईन का आर्टिकल 6 की शिक 3 ये कहती है कि ये तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। बिल्कुल, यानी उन्होंने तो बताना था एविडेंस जो थी कानून के तहत उसके अंदर जी अमानुल्लाह पार्लियामेंट ने कानून की रख दी सजा रख दी ना। मसला यह है कि जो इन चीजों को आप देखें बड़ी पूरी जजमेंट, लेकिन असल मसला जो है जिसकी तरफ आज आप खसूसी तौर पर निशानदेही कर रही है, मैं समझता हूं कि यह ज्यादा बेहतर है चूंकि जो फैसला है उसके तमाम पहलुओं के बारे में अब तक गुफ्तगू हुई है, ये पहलू नजरअंदाज नहीं होना चाहिए कि ये जो फैसला करने वाले हैं वो आप देखें कि उनके जेहन में क्या है कि वो जो शख्स आपने फौज की तरफ से पहले कभी इस तरह की रिजर्वेशन नहीं आई थी, फौज के कमेंट भी आ गए और उस वक्त तक फैसला भी नहीं आया था, और फैसला जब आप उसके बाद आपने तफसीली फैसला लिखा और उसमें फौज का सिपा सालार अगर गद्दार हो सकता है तो आपने अपनी वो उन लाखों जवानों के दिमाग में क्या मैसेज, उनको क्या मैसेज दिया है और उनके दिमाग में की तारीफ हम इस प्रोग्राम के तहत एक सेकंड सादिया एक मिनट देना चाहता हूँ, गद्दार परवेज मुशर्रफ साहब नहीं थे और गद्दारी की तारीफ में वो नहीं आते। गद्दारी की तारीफ जो इस फैसले में लिखी गई है वो ये है कि गद्दार वो होता है जो मुल्क दुश्मनों के साथ इत्तेहाद करे और उनकी को एड करे। उन्होंने कहा लिखा है इस मामले में कि आईन को तोड़ना जो है या हेल्ड इन अबेयंस रखना इसकी सजा तो आप दे सकते हैं, लेकिन इस तरह के शख्स को आप गद्दार नहीं कह सकते। ये बड़ी तोहीन है एक शख्स की जिसके पाकिस्तान की इतनी देर खिदमत की। जनरल साहब दो चीजें, एक तो ये कि जो मैंने आर्टिकल 6 का हवाला दिया जिसमें वो पार्लियामेंट ने डिसाइड करने वाली चीज है, क्या इस पे भी जो है वो देखा जाना चाहिए हुकूमत को, जहां वो एक जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के में जा भी रहे हैं कि उनको काम करने से रोका जाए। और दूसरा जो सवाल मेरा मानुल्ला कनरानी साहब से था कि इन हालात के अंदर ये ना हो मुल्क जिन चीजों से निकला है और एक पटरी पे चलना हम शुरू हुए थे, एक वर्किंग रिलेशनशिप आपको इदारों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा नजर आ रहा था, वो मेरे अजीज हमवतनों वाला जो मैंने हवाला दिया, कि उसका रास्ता तो नहीं खुल जाएगा। देखिए मजबूर कर रहे हैं, अब जो हालात हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उसने हज पे ले आए हैं कि अब उनके लिए फैसला करना है कि क्या उसने आपने इस इदारे को बचाना है और छः इदारे को और छः इदारे के साथ मुल्क की साख को बचाना है। मैं संजरानी साहब की बात को ना सिर्फ उनको सलाम पेश करता हूँ बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस तरफ जो इशारा उन्होंने किया किसी ने और ये बात की नहीं है। आज अगर आज इन हालात पर किसी को आप देखिए, अगर मैं इंडिया में बैठा मोदी हूँ तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान के अंदर से जिस तरीके से मैं पाकिस्तान की फौज को मैं कमज़ोर करना चाह रहा था, पाकिस्तान को उन्होंने लेके वहाँ पे आ गए हैं। आपने कृष्णा फेयर का वो नहीं पढ़ा कि भाई अगर पाकिस्तान को तबाह करना है तो पाकिस्तान की फौज को ख़त्म करना होगा, जो कहती है मुझे अभी तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फौज के अंदर से अगर इस किस्म की आवाज़ें उठती हैं, और फौज में ऑब्वियसली कुछ लोग होंगे जो कहेंगे ये होना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं होना चाहिए, फौज को तकसीम करना चाहते हैं, फौज को उस नेज पर लेके आना चाहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मजबूर हो जाए क्योंकि उसने जिन लोगों को आपने ज़िंदगी और मौत का हुक्म दिया रख देना है उसको, उनको आप कैसे दे सकते हैं जब उनका फेस ही नहीं कर सकते उसको। आपने देखा नहीं चीफ आर्मी स्टाफ की लैंग्वेज जब वो असद जी
हेडक्वार्टर गए थे उससे मिलने के लिए। अभी रिसेंटली एक ब्रिगेडियर ही वाज हैंग टिल डेथ। मैडम मैडम आप तो फौज अपनी कार्रवाई खुद ही करती है जी। देखिए गद्दारी गद्दारी का तो फौज में गद्दारी के बारे में आपको पता नहीं है, जरा सा किसी को शक पड़ जाए उसकी लॉयल्टी या फौज पाकिस्तान के साथ जरा सा शक है उसको सजा मिलना शुरू हो जाती है। इसमें तो गद्दारी आपने स्टेट से की है, आपने क्या किया है, आपने इस आइन को मैं समझता हूँ जिस इस फैसले ने जितना नुकसान इस आइन को पहुँचाया है और किसी ने नहीं पहुँचाया होगा। आज लोग बरमला ये कह रहे हैं कि क्या ये आइन ज्यादा मुकदम है या पाकिस्तान ज्यादा मुकदम है। क्या आपने पाकिस्तान को बचाना, अगर आपको याद हो जब जनरल मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 किया था तो जिसको आपको जनरल साहब ये बात आपकी दुरुस्त है, आप आइन को एक सहीफा आसमानी बनाकर क्यों ट्रीट करते हैं। ठीक है आइन के तहत मुल्क चलना है, वो एक जवाबत तय करता है, असूल तय करता है, बट यहाँ पर क्या वो सियासतदान पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है जो अपनी मर्जी अपने हालात और वाकयात के मुताबिक उसमें कितनी ही अमेंडमेंट्स लाए हैं, अमेंडमेंट्स होती रही है ना, उसको आप करते रहे हैं। तो यहाँ पर आपने आइन को इतना बड़ा बना दिया है जैसे मुल्क बाद में और आइन सबसे पहले। जी यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सवाल दोबारा खड़ा हो गया है। आइन जिन्होंने बनाया जनरल साहब एक सेकंड के लिए मैं बताऊं कि एक पूरे साल के लिए आइन की एक शिक जो थी वो पार्लियामेंट ने सस्पेंड रखी 61D 2003 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक। यही हवाला दिया गया है कि शायद इस वजह से वो हेल्डेन अबेंस के बारे में पार्लियामेंट जो थी वो खामोश थी और उन्होंने फिर सारे एक्शंस को भी वैलिडेट कर दिया चूंकि जरूरत के तहत उन्होंने भी वापस आके जनरल साहब आपकी बात मुकरूंगी। आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदी। जनरल साहब मैं चाहूंगी आप बात अपनी मुकम्मल कर लें। आप कह रहे थे कि आइन को ज्यादा मुकदम बना दिया, ज्यादा बड़ा बना दिया मुल्क से। जी मैं बात ये कर रहा था, देखिए जब ये 12 अक्टूबर 1999 हुआ है उसके फौरन बाद काजी हुसैन मरहूम के बयान आप पढ़ लीजिए और उससे पहले के बयान आप पढ़ लीजिए और ख़ास तौर पे जिसको हम अभी जमहूरियत का जमीन करार दे रहे हैं बेनजीर उसका बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने तो बाकायदा इसको वेलकम भी किया और उसमें मिठाइयाँ बांटी। इस पर देखिए जो भी आप करें जिस आइन और कानून की आप बात करें, आप गुज़श्ता चंद फैसलों को देख लीजिए, चाहे वो काजी फैज़ ईसा का फैसला हो या ये फैसला जो चीफ की एक्सटेंशन के बारे में हुआ है या जनरल मुशर्रफ का फैसला। बज़ाहिर हो सकता है ये आइन और कानून के बिल्कुल दायरे में हो, बिल्कुल ठीक हो टेक्निकली, इनका नतीजा आप देखिए क्या हुआ है। आज मैं ये देख रहा हूं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान कमजोर हुई है। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक का खुदा ऐसी कोई दुश्मन से फायदा उठाता है। आपकी अदलिया के वकार को बहुत ज्यादा शदीद ठेस पहुंची है जिसका नुकसान पूरे मुल्क को हो रहा है। फौज का कॉन्फिडेंस बकायदा शैटर हुआ है। आपके जो सियासतदान उनको समझ नहीं आ रही आपने कहाँ जाना है। इकॉनमी आपकी ऑलरेडी वीक है। इसका अगर एंड रिजल्ट ये निकलता है कि रियासत पाकिस्तान कमजोर होती है तो मुझे बताइए वो आइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कानून ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस बात पे हमारे जो सो कॉल्ड जितने हमारे अशराफिया है या सियासतदान है इनको ये बात समझ क्यों नहीं आती कि हमारे जो आला अदलिया में जो बैठे हुए जज चाहे अदालत उज़्मा में है उनको ये बात क्यों समझ नहीं आती उनको कि फैसले टेक्निकली ठीक हों अगर उनका एंड रिजल्ट पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है और इदारों के दरमियान तसादम के चांसेस को बढ़ा रहा है और जिस तरह आप कह रही थी कि मेरे हम वतनों के चांसेस को बढ़ा रहा है, उस आइन और कानून का क्या फायदा आपको मिलता है। क्या फायदा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अमानुल्लाह कनरानी साहब और आरिफ चौधरी साहब दोनों से सवाल मेरा। अमानुल्लाह साहब से पहले, आप लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी तो इसलिए पेशगी माजरत। वकला के हवाले से आज बार काउंसिल ये कह रही है कि जो इस फैसले पर फौज ने तनकीद की है या फौज का जो रद्द अमल आया है उस पर वो एतराजात उठा रहे हैं कि वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कितनी बार एतराजात उठते हैं, तनकीद होती है उन वकला पर, उन अपने साथियों पर
जो अपने साइलीन को मार रहे होते हैं, एक औरत की पेट में टांगे मारी जा रही होती हैं, यहाँ पर साइलीन उनके धक्के खा रहे होते हैं, हड़तालें हो रही होती हैं, जो लाहौर में हुआ, जो लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे उनको नींद जो है वो मौत की परमानेंटली सुला दी गई, उनके बच्चे यतीम कर दिए गए, वहां पर कोई हड़ताल के लिए नहीं निकलता। पंजाब बार काउंसिल हड़ताल इसलिए करती है कि हम जो है अपने वकला के साथ हैं, और यहां पर भी पाकिस्तान बार काउंसिल ने एतराज क्या उठाया कि फौज को रद्द अमल नहीं देना चाहिए था। अमानुल्लाह कनरानी साहब जी, मैडम मैं थोड़ा सा इससे पहले वाली बात पे गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा जो जनरल साहब ने बात की है कि मुल्क अहम है और आइन से बालातर है, इसमें कोई शक नहीं है, प्रपोजिशन सही है, मगर मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त आइन हमारे लिए मसला नहीं है, हमारे लिए मसला एक गिरोह है जिसको जुडिशरी कहा जा रहा है और जो अपने आप को आइन का कवर दे रहा है। मैं कहता हूँ उस गिरोह को एक्सपोज करना चाहिए, इनको तो आर्टिकल 6 के सब आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने है, ये अबेटर और एडर एड करने वाले लोग हैं जिन्होंने 12 अक्टूबर को जनरल मुशर्रफ के साथ एड और अबेट करके इमरजेंसी को कंटिन्यू किया और आज भी इमरजेंसी नाफिज है। PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 869 आज भी हमारे मुल्क का एक वैलिड लॉ है जिसमें इमरजेंसी आज भी प्रोटेक्टेड है उस जजमेंट के मुताबिक, क्योंकि वो रिव्यू नहीं हुआ, उस इमरजेंसी को आज भी इन्वोक किया जा सकता है। मगर मैं ये कह रहा हूँ इस ग्रोह को आप आईनी तहफ़ क्यों दे रहे हैं, उस ग्रोह से जो 24 मार्च 2009 को तहफ़ दिया गया था एक नोटिफिकेशन के जरिए, आप उस नोटिफिकेशन को वापस ले लें, उनके तमाम जजमेंट्स को रिविजिट करें, रिव्यू करें, आईनी तरीका मौजूद है। ये कैसे हो सकता है एक गिरोह खुद बैठ जाए और फैसला करे कि ये जो मैं बहाल हो गया हूं, ये जजेस गलत है, वो सही है। मैंने कल भी एक क्वेश्चन उठाया था, आज दोबारा उठा रहा हूं, मैं पूछता हूं कि ये जो 2009 को फैसला आया है सिंध हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसके अंदर दो कैटेगरीज के जज बैठे हैं, एक वो कैटेगरी है 6 जज साहिबान हैं जिसमें तसद्दुक हुसैन जेलानी साहब भी है, नासिर मुल्क साहब भी है और दूसरे साहिबान हैं अपना सिंध से लोग थे उनके जज, वो जज साहिबान हैं जिन्होंने हल्फ उठाया दोबारा 3 नवंबर 2007 को जब उनको हटा दिया गया, इसके बाद दोबारा उन्होंने हमीद डोगर साहब से हल्फ लिया है और 4 लोग ऐसे थे जिसमें चौधरी इफ्तिखार साहब था, चौधरी एजाज साहब था, रमदे साहब थे और राजा फयाज थे, 4 लोग वो थे जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया। तो कैसे मुमकिन है एक सुप्रीम कोर्ट में एक कैटेगरी के लोग हैं जो दोबारा हल्फ उठाते, एक नहीं उठाते, दोनों जज है, दोनों फैसले कर रहे हैं और दोनों अपने आप को समझते हैं हम बराबर है, तो इस अनामली को दूर करना होगा। जब यह अनामली दूर होगा तो पता चलेगा 2009 को कौन जज थे कौन जज नहीं थे, कौन ये फैसला दे सकते थे कौन नहीं दे सकते थे। जब आप ये फैसला करेंगे आईनी तौर पर कोई बोरा नहीं होगा। जब आप आर्मी को क्वेश्चन कर सकते, बाकी जहां तक है रद्देमल का, रद्देमल के जो जजमेंट अनाउंस हो जाए उस पर फेयर कमेंट्स जो हर एक हक है, एक शहरी का भी हक है, एक इदारे का भी हक है फेयर कमेंट्स का। जब अदालत में कोई चीज जेर इल्तवा हो आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, मगर यहां पर जब जजमेंट आ जाए फिर उस पर कमेंट करना कोई जुर्म नहीं है। ये ज्यादती अगर कोई कहता है उस पर कोई इदारा क्यों कमेंट करता है, फर्द क्यों कमेंट करता है, तो उसको हक है। बाकी जो वकीलों का मामला है वो सेटल हो चुका है, वो सेटल हो चुका है, उस पर अभी इसको दोबारा वहां पर नहीं होती। यहाँ पर तो परवेज मुशर्रफ अगर सजा से फांसी से पहले इंतकाल कर जाए तो उनकी लाश को घसीट के डी चौक लाया जाए, 3 दिन तक वहां लटकाया जाए, यहाँ अपने वकला ने वेंटिलेटर से उतार दिया मरीजों को, ऑक्सीजन मास्क उनके उतार दिए, वो मर गए, अमवात हो गई बाकायदा तौर पे, लेकिन वहां पर तो किसी जज ने नोटिस नहीं लिया, वहां तो कुछ सुमोटो नोटिस हमें नजर नहीं आए। मैडम इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त वकला के बारे में गुफ्तगू की बजाय मैं बार कौंसिल की रवैये की बात करूँगा जो आपका असल सवाल है, क्योंकि बार कौंसिल हमारी जो है अनफॉर्चुनेटली वो बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत में है। आप देखें कि जो मेंबरान है उनकी वाबस्तगियाँ सीधी सीधी अपोजिशन के साथ हैं, यानी जो ख़ास तौर पे ये जो मेंबरान यानी जो कंट्रोल कर रहे हैं बार कौंसिल को, एक तरफ वो मेंबरान है जिन्हें उन्होंने एक तरफ लगाया हुआ है, उनका कोई रोल नहीं रहने दिया, और बाकी जो बरसर इक्तदार है वो हैं कि जिनमें आप उनके कौंसिल
जो उनसे बाकायदा करोड़ों रुपए फीसें देकर नवाज शरीफ से उनकी वकालत कर रहे हैं, और अमली तौर पर वो उनकी हर जगह सपोर्ट भी करते हैं। यानी उन्हें आप देखें कि ये वही अबार कौंसिल के अरकान थे जो मौलाना फजल रहमान के साथ भी पहुंच गए थे। जनरल साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो अभी अमानुल्लाह कनवानी साहब ने भी ड्यूरिंग डिस्कशन बात की थी, क्या मामला उस तरफ जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि जजेस में जो दो ग्रुप्स हैं उनमें कोई तो तफरीक की जाए, जो ग्रुप फैसले दे रहा है उनके हवाले से भी बात हुई, लेकिन ये जो रिकंसिलिएशन की बात है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, कि फिर आगे यहां से मामला बढ़ सकता है, इस फैसले के बाद कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है जो मुल्क के लिए बेहतर हो सकती है, वो जिसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, क्या उसके तौर पर इसको देखा जा सकता है? देखिए संजरानी साहब की ये जो बात है, ये जो बात जो मैंने बातचीत सुनी है, मैं तौर पर बहुत मुतासर हुआ हूँ उनकी सोच से। जी मैं बहुत ज़ाती तौर पर मुतासर हुआ हूँ कि बलूचिस्तान से आने वाले एक शख्स की जो आवाज़ है वो पाकिस्तान आवाज़ बन रही है। ये बहुत सही बात है और बहुत अच्छी बात है। बहुत अरसे पहले ये बात हो रही थी, मैंने बदकिस्मती से नवाज शरीफ साहब जब वो आए थे 2007 में, उनको बाकायदा उनके गुजारिश की थी कि आप इसके चैम्पियन बने नेशनल कॉज के। बहरहाल अब पानी बहुत गुजर चुका, आज भी हम ये कर सकते हैं। मेरे अगर आप देखिए तो एक और दुख की बात यह है कि इस वक्त आपको होराइजन पे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आ रही जो गैर मुतनाज़ा हो। आप चीफ इलेक्शन कमीशन मुकर्रर नहीं कर सकते कि कोई आपको गैर मुतनाज़ा शख्सियत नहीं मिल रही। तो ये चंद लोग हों, वो नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़ा इंसान था, वो लीडर था, वो बात कर भी सकता था, वो अपने ऊपर 25-29 साल जो उस पर जुल्म हुआ उसको माफ़ भी कर सकता था। उसके जितने बड़े दिल वाले अगर हमारे पास 2-3-4-5 लीडरशिप मिल जाए हमें, हम ये आज भी कर सकते हैं। और ये तथीर लाजमी है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप मुल्क को फसाद की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी आरिफ चौधरी साहब भी बात कर रहे थे, फिर दूसरे अमानुल्लाह साहब भी बात कर रहे थे, हमने इन वकला को मुख्तलिफ चैम्बर्स करिए जो ला के उनको जज बना रहे हैं, वो तो बाई डेफिनेशन वो पोलिटिसाइज हैं। उनकी एक या दूसरी पोलिटिकल पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन है, वो अपने जिन मक्कलों के आके मुकदमे लड़ते हैं उन्हीं की सियासत को आगे बढ़ाते हैं। ये तो आप पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता तकसीम की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आपकी पॉलिटी और पाकिस्तान सारा इस पे डिवाइड है और आपकी मुखलाफ बरादरी डिवाइडेड है और उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है और ये करना चाहिए पाकिस्तान को। ठीक है, मैं अमानुल्लाह साहब आपके भी इस पर लास्ट कॉमेंट्स चाहूँगी। जी बिल्कुल, जनरल साहब सही फरमा रहे हैं, और ये मेरा मामला नहीं है, 22 करोड़ आवाम का है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का है, न सिर्फ पाकिस्तान के मुस्लिम उम्मा का मसला है, ये हमारे नेशनल इंटीग्रिटी का मामला है। हमें इस पर सोचना चाहिए। अब रोज़ अब हम नहीं बैठ सकते, हम एक दूसरे को गालियां दें फिर बीच बचाव हो जाए, फिर गालियां दें फिर बीच बचाव हो जाए, लोग हर पर हंसते रहे। मैंने इसके आपको अपने रिपरकशंस बताए, आपके पास रिपरकशन होगा 90,000 फौजियों के सरेंडर का, आपके पास रिपरकशन होगा तुर्की का जब सड़कों पर घसीटा गया। मैं एक पाकिस्तानी शहरी की इससे मौत बेहतर समझूंगा इस जीने से, ये मुर्दा जीने से, जो टीपू सुल्तान की बात है, एक दिन जीने से 100 दिन जीने से एक दिन जीना बेहतर है। तो इसलिए हमें इस तरह जिंदा रहना चाहिए कि हम कौम की उम्मीदें, हम दुनिया की उम्मीदें हैं। दुनिया आज अमेरिका हमारी तरफ देख रहा है, पाकिस्तान की आर्मी को कह रहा है कि आप हमारी सुलह कराएं तालिबान के साथ। 15-20 साल जंग लड़ी है और आज सुलह के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, 21 तोपों की सलामी मिल रही है आपको, इससे ज्यादा क्या क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की हो सकती है? आज आपका जो डॉलर है वो नीचे जा रहा है, पाकिस्तान ऊंचा हो रहा है, दुनिया उसको अपनी तरफ खींच रहा है, आपको कतर बुला रहा है, आपको सऊदी बुला रहा है, आपको मलेशिया तुर्की लीड करने के लिए बुला रहे हैं, ईरान बुला रहा है। तो खुदा के लिए इस पाकिस्तान को बचाए, इस पाकिस्तान को लीड करने दे दुनिया को। और आपको रशिया आपको अपना दोस्त बना रहा है, चाइना पहले से आपका दोस्त है, इससे ज्यादा और कैसा पाकिस्तान आपको चाहिए? और ये पाकिस्तान बगैर आर्मी के, बगैर इत्तफाक के, बगैर सियासतदान आइन के कानून के ये नहीं हो सकता है। इसलिए पार्लियामेंट को, आइन और कानून अदलिया को बैठ कर इस पाकिस्तान खूबसूरत पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपने विफाक को बचाने के लिए, कौम के इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए हमें रास्ता निकालना चाहिए। फौज हर किसी को एक पेज पर, और बात यहां से आगे कैसे लेकर जाने उस पर सोचना चाहिए। बट आरिफ चौधरी साहब, ये बात तो बिल्कुल आइडियल है, वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन वाली चीज भी, मामलात भी, लेकिन ये इनिशिएट कौन करेगा, इसका आगाज कहां से होगा? क्योंकि हमारे यहां ऐसी चीजें हो तो जाती हैं,
बोली तो जाती हैं, कहा भी जाता है, अमानुल्लाह कमरानी साहब ने वो आइडियल सिचुएशन भी बयान कर दिया है, लेकिन आपको मुमकिन होता नजर आ रहा है ये? सादिया, इस वक्त तो हमें जो इमीडिएट प्रॉब्लम है ना उसको एड्रेस करना चाहिए, बाकी आइडियल चीज़ें भी ऐसी हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए और वक्त के साथ वो होंगी। आज ये जो कल इंशाल्लाह हलफ गालबन उन्होंने उठा लिया होगा या उठाएंगे हमारे नए चीफ जस्टिस, 21 तारीख से वो चीफ जस्टिस के तौर पर काम करेंगे, हमें उनसे तवक्को करनी चाहिए कि वो ह्यूमन राइट सेल जो पूरे 11 माह बंद रहा और अगर खुला तो बड़े इंतहाई मुतनाज़ मामलात के लिए खुला, अब वो इस ह्यूमन राइट सेल को एक्टिवेट भी करेंगे सिर्फ अवामी मुफाद के लिए, और उसमें ये सबसे पहला केस पब्लिक इंटरेस्ट का, इसे लेकर फौरी तौर पर इसके जो मुजमरात है उससे कौम को महफूज करेंगे, इदारों को टकराव से बचाएंगे, इस फैसले को यानी इसकी सुओ मोटो ज्यूरिस्डिक्शन जो है इससे ज़्यादा किसी केस में नहीं बनती। ये अब काम परवेज़ मुशर्रफ की अपील का नहीं है बल्कि उनका काम है, चीफ जस्टिस साहब का, कि वो इसका नोटिस लेकर इस मसले को हल करें और इसे रिविज़िट करके जजमेंट को सेटिसफाइड करके इसे दोबारा डिनोवो अगर ट्रायल करना है तो वो डिनोवो ट्रायल के लिए भेजे और इस जजमेंट को सेटिसफाइड किया जाए, रिव्यू होना चाहिए सारे का सारा मामला। आई हैव टू वाइंड अप हियर। आरिफ चौधरी साहब, अमानुल्लाह कनरानी साहब, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, तीनों फारवी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।